सेम वही किया, वो आकर के चाकू से सीधा देखे यहाँ पर मारा और मेरे पिताजी को हॉकी स्टिक से मार करके हाथ तोड़ दिया। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं किए और यहाँ का प्रशासन लोग रोकने का भी कोशिश किया तो किसी को कुछ नहीं किया। ठीक है, और अभी भी अंदर में ड्रेसिंग करवा रहे थे तो उसके पिताजी हमको धमकी दे रहे थे। बेगाबाद थाना क्षेत्र के देवाटार में एक विवाहिता के साथ सास ससुर ने मारपीट की। मामले को लेकर पीड़िता ने पुलिस से उक्त लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। बेगाबाद थाना क्षेत्र के देवाटार गांव में विवाहिता शबनम खातून को उसके सास ससुर और गोतनी ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। घायल अवस्था में वह किसी तरह थाने पहुंची और पुलिस से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई। शबनम खातून का आरोप है कि उसका पति शकूर अंसारी प्रदेश में नौकरी करता है, घर पर वह दो बच्चों के साथ रहती है। सास ससुर और गुतनी बेवजह उसके साथ मारपीट करती रहती है। बुधवार को एक बच्चे द्वारा आंगन में पेशाब कर देने पर तीनों ने उसके साथ मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। मारपीट किया आपके साथ? अकेला था, आपका पति कहाँ रहता है? सूरत। अच्छा, हमेशा मारपीट होता है क्या? हमेशा मारपीट होता है, ऐसे इतना नहीं होता है, ऐसे आप तो। क्या नाम है आपके पति का? शत्रु। घर कहाँ? देवा। और आपका मायके कहाँ हुआ? क्या नाम है पिता का? थाने में आवेदन दे दिया आपने? बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महुआटाड़ गांव में बीते एक सप्ताह पहले दुर्गा मंडप में तोड़फोड़ करने वाला आरोपी मामला दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीणों में पुलिस के प्रति आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी युवक मोहन यादव सप्ताह भर पहले दुर्गा मंडप में तोड़फोड़ किया था, जिसको लेकर थाना में मामला भी दर्ज करवाया गया है, लेकिन वह खुलेआम घूम रहा है और दोबारा मंदिर में तोड़फोड़ करने की धमकी भी दे रहा है। हम लोग का जो सर्वजनी काली मंदिर था, उसको जो पिंड होता है पिंड सब तोड़ दिया है और पिंड में जो चुंदर था उस चुंदर को भी जला दिया था। तो प्रशासन को हमने खबर भी किया था, प्रशासन ने छोटा बाबू भेजा भी था, छोटा बाबू इंक्वायरी करके प्रशासन को ये जानकारी भी दिए। उसके बाद हम लोग ग्रामीणों ने एक आवेदन बनाया जिसमें 50 से 60 आदमी के ग्रामीणों का साइन है, जिला परिषद का भी उसमें मोहर के साथ अनुशंसा है, मुखिया जी का भी मोहर के साथ अनुशंसा है, पंचायत समिति का भी मोहर के साथ अनुशंसा है। उसके बाद आज तक प्रशासन ने इसको गिरफ्तार नहीं किया है और खुलेआम थाना में घूम रहा है। तो हम लोग फिर दुर्गा पूजा का समय आ चुका है और फिर हम लोग को तरह तरह का धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग जो मंडप बनाइएगा फिर उसको पुनः तोड़ देंगे और दुर्गा पूजा महोत्सव में नहीं होने देंगे। और जो इन्होंने पूर्व में जो तोड़ा था उसमें भी हम लोग का हर हड़िया पर 1,000 रुपये लग रहा है, जो लगभग पूरा ग्रामीणों को 2 लाख रुपये का नुकसान है। और फिर हम लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं और फिर हम लोग को प्रशासन को इस चीज़ को अवगत करवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मामला ये है कि हम लोग का काली मंडप में कुछ दिन पहले तोड़ दिया गया है, तो हम लोग उसके बारे में हमने आवेदन भी दिया थाना में, थाना